नमस्कार दोस्तों, मैं स्मृति श्रीवास्तव इंडिया में आपका स्वागत करती हूँ। अफगानिस्तान के लेग स्पिनर राशिद खान T20 के बड़े गेंदबाज माने जाते हैं। वे IPL में सनराइजर हैदराबाद की ओर से खेलते हैं। उन्होंने कहा है कि इस फॉर्मेट में 3 खिलाड़ियों को बोल्ड करके विकेट लेना उन्हें हमेशा याद रहेगा। इन 3 खिलाड़ियों में 2 भारतीय हैं। 22 साल के राशिद खान के ओवरऑल T20 करियर की बात की जाए तो उन्होंने 259 मैच में 360 विकेट लिए हैं। आपको बता दें, क्रिकविक से बात करते हुए राशिद खान ने कहा, ईमानदारी से कहूँ तो कई यादगार विकेट हैं, लेकिन आप मुझसे T20 के मेरे सर्वश्रेष्ठ 3 विकेट के बारे में पूछें तो वो MS धोनी, विराट कोहली और AB डिविलियर्स के विकेट हैं। मैंने उन तीनों को बोल्ड किया था। उन्होंने कहा कि विकेट लेना ठीक है, कभी आप बल्लेबाजों को कैच आउट कराते हैं, कभी LPW और कभी ऐसे ही आउट करते हैं, लेकिन इन दिग्गजों को बोल्ड आउट करना कठिन है। ये विकेट मुझे हमेशा याद रहेंगे। राशिद खान 2017 से IPL में खेल रहे हैं। उन्होंने 59 मैच में 85 विकेट लिए हैं। 7 रन देकर 3 विकेट उनका बेस्ट प्रदर्शन है। वे पाकिस्तान सुपर लीग, कैरिबियन प्रीमियर लीग और बिग बैश लीग में भी खेलते हैं। उन्होंने 2018 में MS धोनी, AB डिविलियर्स को और 2020 में विराट कोहली को बोल्ड आउट किया था। धोनी अपनी कप्तानी में चेन्नई को 3 बार खिताब दिला चुके हैं। विराट कोहली RCB के कप्तान हैं। मौजूदा सीजन के स्थगित होने के पहले राशिद खान ने 7 मैच में 10 विकेट लिए हैं। बचे 31 मैच सितंबर अक्टूबर में UAE में खेले जाने हैं। बता दें, राशिद खान ने कहा कि वे सचिन तेंदुलकर को गेंदबाजी कराना चाहते हैं, क्योंकि वे शायद ही लेग स्पिनर के खिलाफ आउट होते हों। उन्होंने कहा कि सचिन को आउट करने से ज़्यादा गेंदबाजी करने की खुशी होगी। उनके सामने गेंदबाजी करना सपने के सच होने जैसा है। सचिन ने ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज लेग स्पिनर शेन वॉन के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया था। वॉन खुद कह चुके हैं कि सचिन मुश्किल बल्लेबाजों में से एक थे। बताते, राशिद खान ने खुलासा किया है कि वो सनसेक्स के लिए काउंट्री क्रिकेट खेलने के बजाय पाकिस्तान सुपर लीग के बाकी बचे मैच खेलेंगे। उन्होंने इसके लिए सनसेक्स के साथ हुए अपने करार को रोक दिया है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया।